अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। व्यूअर्स, कैसे आप, खैरियत से होंगे? उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे जो हरे भरे बागात की वीडियोस देख के उससे खुश होते होंगे और कमेंट्स भी आपकी आती रहती है मुझको। तो देखिए, हम ऐसे बागात में आए हैं और ये हमारे जो है तो खेत के प्लांट वाले मालिक है और इनसे हम कुछ पूछना चाहेंगे कि ये जो इन्होंने बूटी लाए हैं तो इसमें ये बकरियों का चारा है लेकिन ये इंसानों के लिए शिफा का ज़रिया भी है। तो ये जो बूटी आप लाए हैं ये बकरियों का चारा भी है? नहीं, हाँ बकरियों को चारा भी है। हाँ, और इसको किस दवाई पे, यानी जैसा जख्मों पे बहुत सारे? हाँ, जख्मों पर जख्म हयात बूटी, जख्म हयात बूटी कहते हैं इसको। और ये बकरियों को भी खिलाते हैं और इसीलिए बकरियों के दूध में फ़ायदा और शिफा इसलिए रखी है कि बकरी टोटल जड़ी बूटी खेत में चरकर खाती है। तो ये जख्म हयात बूटी है और जिसको जो है तो जंगली सांवरी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हमारे बाबा भाई इस खेत की रखवाली करते हैं और माशाल्लाह इन्होंने ये जो खेत भी लिया है, काफ़ी अच्छा खूबसूरत नज़ारा है, खेत है और इस तरफ डैम है बहुत बड़ा, उस तरफ आपको लेके चलेंगे। और बाबा भाई यहाँ पर अच्छी खिदमत को अंजाम देते हैं और अपनी खेतियों को उन्होंने कैसा संवारा, जैसा कि आप वीडियो में आप देख रहे होंगे, माशाल्लाह खेती इनकी अच्छी है और काफ़ी मेहनत करते हैं और जड़ी बूटियों से भी ये फ़ायदा उठाते हैं। तो बाबा भाई, ये जो आपने जो काटन की जो खेती पेरी है, इस पे इनकम अगर अच्छी हो जाती है आपको? हाँ, इनकम अच्छी होती है। अच्छा। और मेहनत ज़्यादा है। हाँ, मेहनत तो भला कैसा है, जितनी मेहनत करेंगे उतना मिलेगा। बराबर, मेहनत के बगैर तो सब झूठा पसारा है हम लोग कहा करते थे, लेकिन अभी लाइफ स्टाइल दौर के हिसाब से देखा जाए तो लोग बिल्कुल, यानी टेक्नोलॉजी के हिसाब से बिल्कुल अहदी हो चुके हैं, लेकिन ये उनके सेहत के लिए ख़राबी है। होना तो ये चाहिए कि ऐसे खेतों में बागात में इनकी तरह मेहनत करें तो इंशाल्लाह ये शुगर से भी महफूज रहेंगे और इनकी बॉडी एकदम फिट रहेगी। नहीं बाबा भाई, कैसा महसूस करते हैं आप खेत में आने के बाद? अच्छा, बहुत सुकून लगता है, फ्रेश लगता है एकदम। ये अल्लाह की जड़ी, अल्लाह की पैदा करदा ज़मीन है, उसमें जड़ी बूटी उगती है और आप अच्छा महसूस करते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह आते रहेंगे आपके प्लांट में इसी तरीके से। व्यूवर्स, कैसी लगी जानकारी भी कमेंट्स करके बताइएगा और हमें, हमारे को जो है इस वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आपके सामने ऐसी नए किस्म, हर किस्म के ब्लॉग आते रहेंगे। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।